हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। इस वीडियो में हम बेटा बात करते हैं, ये जो हम आपके लिए इसका जो ये वीडियो लाए हैं वो है जो आपका सेकेंड टेस्ट हुआ था पटवारी में। पटवारी में जो आप लोगों का सेकेंड टेस्ट हो गया था उस पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सिलेबस पे नज़र दें, इसमें जो आपका था 36 मार्क्स वाला जो था जीके और करंट अफेयर्स थे, और 24 था रेफरेंस टू यूटी, थर्ड था इंग्लिश के 24 मार्क्स और कंप्यूटर्स के 18 मार्क्स थे, और मैट के मेंटल एबिलिटी टेस्ट और रीजनिंग के 18 मार्क्स थे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन वॉज द रिवर विच राइजेस इन कमापट हिल्स इन छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ बिहार कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरोज। तो वो कौन सा रिवर है जो राइज होता है कमापट हिल्स इन छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ बिहार से, उसको बोलते हैं रिवर ऑफ सॉरोज। तो वो कौन सा रिवर है? वो महानदी है, दामोदर है, कृष्णा है या गोदावरी है? तो आप सब ने इसका आंसर लिखा होगा। अब किसने क्या लिखा होगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है बेटा वो दामोदर है, ठीक है बेटा। इसका राइट आंसर दामोदर है। इसको क्यों वैसे रिवर ऑफ सॉरो बोला जाता है? क्योंकि इट इज़ यूज्ड टू फ्लड। अगर हम फ्लड की बात करेंगे तो बहुत सारे एरियाज में ये दामोदर हिल की वजह से, रिवर की वजह से फ्लड आते थे, लाइक द हुगली जो कोलकाता में है, बंगाल में है, ठीक है, हुगली, बर्धमान, वहाँ पे वहाँ एरिया से इस रिवर से क्या आते थे, फ्लड आते थे पहले अर्लीस्ट ज़माने में। लेकिन अभी तो ये खाली जो लोअर दामोदर की वैली है वहाँ पे इसे फ्लड आते हैं, लेकिन अर्लीस्ट में ये कहाँ पे जैसे हुगली वगैरह इस रिवर की वजह से फ्लड्स आते थे, ठीक है। अगर हम थोड़ा बहुत इस रिवर के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ये जो ये रिवर है ये रिच, द रिवर दामोदर इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स, ओके, रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, मिनरल्स, इट्स रिच इन मिनरल्स, रिसोर्स, और बहुत सारी आई कैन से द वैल्यू ऑफ लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इस दामोदर रिवर पे वो एक्टिविटीज होती रहती है, ठीक है बेटा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, यहाँ पे चार डैम बने हैं इस रिवर में, रिवर दामोदर में चार डैम्स बहुत ही फेमस डैम हैं जो रिवर दामोदर पे बने, वो कौन से डैम हैं, उनका आप मुझे नाम बताएगा। इससे आपके दो फायदे होंगे, ठीक है, एक तो आपको साथ साथ में रिवाइज हो जाएगा, और प्रेशर में जब दिमाग काम करता है वो बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो कौन से चार डैम हैं जो रिवर दामोदर पे बने हुए हैं, ओके बेटा। चलिए नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सतपुरा रेंज जो है वो सिचुएटेड है दो फ्लोइंग रिवर्स से, और वो दो फ्लोइंग रिवर्स का आपको बेटा नाम बोलना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन लाती हूँ। पहला है नर्मदा एंड लूनी, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड माही, माही एंड लूनी। इन चार में से आपको वो कौन से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जहाँ पे सतपुरा रेंज सिचुएटेड है? तो इसका बेटा सही जवाब आ जाएगा नर्मदा एंड तापी, ठीक है। नर्मदा एंड तापी की अगर हम बात करेंगे, ये दो ऐसे मेजर रिवर्स हैं, ये दो ऐसे मेजर रिवर्स हैं जो ड्रेन होते हैं, द ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा एंड तापी दो ऐसे मेजर रिवर्स हैं जो ड्रेन होते हैं अरेबियन सी में। अगर हम नर्मदा की बात करेंगे खाली, जो ये नर्मदा है ये ऑरिजिनेट होता है ईस्टर्न मध्य प्रदेश से, MP, ठीक है, मध्य प्रदेश से ये ऑरिजिनेट होता है, कहाँ, ईस्टर्न मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। मैंने दो चीज़ें बताई आपको, सतपुरा रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है दो ऐसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, कौन कौन सा, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। और नर्मदा एंड तापी वो दो मेजर रिवर्स है जो ड्रेन होते हैं अरेबियन सी में, और नर्मदा की अगर हम बात करेंगे इसका जो ऑरिजिनेट है वो है ईस्टर्न मध्य प्रदेश, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद वो अलग है, ये फ्लो वेस्ट अक्रॉस द स्टेट, ये नैरो वैलीज के बीच में फ्लो होता है, विंधाना रेंज एंड स्पर्स, बस वो आपको यहाँ पे नहीं रखना। आप बस ये सतपुरा जो रेंज है वो यहाँ पे फ्लो सिचुएटेड है दो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में, और ये दो ऐसे रिवर्स है जो अरेबियन सी में बेटा क्या होते हैं, ड्रेन होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है विच लेक इन गुजरात इज रिनाउंड एज द कंट्रीज लार्जेस्ट वाटर बर्ड सैनिटरी एंड वॉज डिजाइनड एज अ बर्ड सैनिटरी इन अप्रैल 69, ठीक है। वो कौन सा लेक है गुजरात का जो कि माना जाता है कंट्रीज लार्जेस्ट वाटर बर्ड सैनिटरी, और जिसको डिजाइन किया था एज अ बर्ड सैनिटरी, कब, इन अप्रैल 1969। तो इसका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, नालसुवा लेक, भीमतल लेक, सांबार लेक एंड पुष्कर लेक। तो आपने बेटा जी क्या आंसर लिखा है? चलिए, जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट लिखा है उसका ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ अ नालसोवा बर्ड सेंचुरी। ये एक स्पेक्टिकुलर नेचुरल लेक है विद आई कैन से द शैलो वाटर, ओके, विद शैलो वाटर एंड यहाँ पे मडी लेग्यून्स भी आपको
लगूनस भी आपको मिलेंगे, ठीक है, गुजरात में। और यहाँ पे ये जो लेक है, ये जो बर्ड सैंक्चुअरी है, यहाँ पे आई कैन से द माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से, अब वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से, यहाँ से यहाँ आते हैं सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, यूरोप से आते हैं, और यू कैन से द यूरोप, और वी कैन से द साइबेरिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, यूरोप या साइबेरिया से यहाँ पे बर्ड आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, ताकि वो जो वो हार्श कोल्ड विंटर होता है उससे बचे, ठीक है। और माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ साथ यहाँ बहुत सारे मिनी रेजिडेंट बर्ड्स या लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस जगह को विजिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स कब आते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं अक्टूबर में, और अप्रैल तक वो बेटा यहीं पे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, गुजरात में वो कौन सा लेक है जिसको कंट्री का, पूरे हिंदुस्तान का लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी माना जाता है, उसको डिजाइन किया था ऐसे, इट इज द नल सोवर लेक, ठीक है बेटा। चलिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट विच एज ग्रुप इज इन मेजॉरिटी इन इंडियन पॉपुलेशन, प्रेजेंट में कौन सा एज का ग्रुप इंडियन पॉपुलेशन में एज अ मेजर रोल प्ले करता है, इज इट डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, इज इट डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड, इज इट वर्किंग एज पॉपुलेशन, या मोर देन वन ऑफ द अबो, या इन तीनों में से दो ऑप्शन आपको लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेटा आंसर आ जाएगा, सब ध्यान रखें, इज इट वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर हम थोड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे, इंडिया में जो पॉपुलेशन है मानी जाती है यंगेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, यंगेस्ट पॉपुलेशन, यंगेस्ट पॉपुलेशन इज इन एजिंग वर्ल्ड में। अगर हम 2022 का डेटा ले, सॉरी 2020 का डेटा ले, जो मीडियन एज इंडियन की है, जो मीडियन एज इंडिया की अगर हम बात करेंगे, वो जस्ट 28, और वहीं अगर चाइना की बात करेंगे हम मीडियन एज, वो चाइना की है 37, अगर जापान की हम बात करेंगे वो 49 है, और अगर यूएस और वेस्टर्न यूरोप की बात करेंगे तो वो 45 है, लेकिन इंडिया की क्या यहाँ पे 28। तो अगर हम 2018, अगर आप यहाँ से इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे, 2018 से जो इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं 15 to 64, ठीक है, ये लार्जली ग्रो होती है, ये लार्जली ग्रो होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन देखें, अगर ये देखेंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो बिलो 14 आता है, ठीक है, या डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड जो 65 से अबाव आता है, ऐसे बिलो 14 और अबाव 65, जो इनके बीच में यहाँ पे जो एज आती हैं वो ज़्यादा लार्जली ग्रो करती है। तो इसी के हिसाब से, इसी को मद्देनजर रखते हुए, जो प्रेजेंट में इंडिया की कौन सी मेजर पॉपुलेशन है, डेट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज, ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ लिव बर्ड्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, नंबर ऑफ लिव बर्ड्स पर 1000 लिव बर्ड्स पर 1000 इन अ ईयर, पूरे साल में, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन वन इज अ डेथ रेट, ऑप्शन सेकेंड इज अ फर्टिलिटी रेट, क्रूड रेट एंड बर्थ रेट। तो इसका जो बेटा ऑप्शन आ जाएगा, डेट इज ऑप्शन बी, बर्थ रेट आ जाएगा इसको, बर्थ रेट याद रखिएगा, कितने जने, ठीक है, तो बर्थ रेट ही आ जाएगा, ठीक है, पूरे 1000 में से इन अ ईयर, तो उसको बर्थ रेट आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। और याद रखिएगा इसके साथ ही, जो ही बर्थ रेट जब इंक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा, जो ही बर्थ रेट इंक्रीज हो जाती है, तो इट इज़ अ आई कैन से द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी मदर टंग में अपनी कॉमन सेंस लगा दो, कॉमन लैंग्वेज लगा दो, जितने जनेंगे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सागर धावा फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये जो सागर धावा फेस्टिवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कौन से स्टेट का, असम का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, या मेघालय का। तो इसका जो आंसर है वो है सिक्किम, ये सिक्किम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, इवन दो की वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है सिक्किम का माना जाता है, ये यहाँ पे सिक्किम के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सागर धावा जो है ये मतलब इसको सेलिब्रेट करते हैं सिक्किम में जो मार्क ऑफ बर्थ
और वी कैन से द एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट और अटेनमेंट अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा किसके लिए, किसको याद करते हैं? हाँ, सबको पता होगा, गौतमा गौतमा बुद्धा को, ठीक है, मार्क ऑफ बर्थ एनलाइटमेंट अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध, इनकी याद में ये सागर दवा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इवन दो कि मोस्टली हैपन, अगर हम सागर दवा की बात करेंगे, सागर दवा की अगर हम बात करेंगे, ये अक्रॉस गंगटोक में मनाया जाता है। व्हाट इज गंगटोक? इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, ओके। और इस समय ये, इस टाइम पे ये क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ठीक है, प्रे करते हैं या अलार्म्स देते हैं, अलार्म्स देते, इट्स ए अलार्म्स देते हैं टू द नीडी, ठीक है। और ये इस फेस्टिवल में ये इनका जो ये बिलीव होता है कि आज ही के दिन जो बुद्धा है, बुद्धा है वो जने है, बुद्धा वाज बॉर्न, आज ही के जिस दिन ये सागा दवा मनाया जाता है। और सिक्किम के साथ साथ ही तिब्बत का भी एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस फेस्टिवल का माना जाता है, ठीक है। तो याद रखा, इसका जो ऑप्शन है वो सिक्किम आएगा। ओके बेटा, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट? NH1, NH2, NH3, NH44। तो ये किसको, कौन है जो इस जिसको ये क्वेश्चन पता नहीं है, कौन है? अब जिसको पता नहीं है, क्या ही मैं बता सकती हूँ उनको, उनको पता होना चाहिए, बस दिस इज एनफ, उनको पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे अगर हम बात करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन है पूरी इंडिया में माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, दैट इज NH4444। इसको माना जाता है बेटा लॉन्गेस्ट हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आई कैन सी। और इसकी जो लेंथ है 3745 किलोमीटर्स माने जाते हैं। और कहाँ से? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। श्रीनगर नॉर्थ में आता है और कन्याकुमारी कहाँ पे आता है? साउथ में, ठीक है बेटा। और ये जो नेशनल हाईवे है ना, ये जो NH44 है, ये 11 स्टेट्स को आपस में इंक्लूड कनेक्ट करता है, सॉरी कनेक्ट करता है, और कुछ 30 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है बेटा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बोलूँ, इस नेशनल हाईवे में बहुत सारे नेशनल हाईवे मर्ज होते हैं, NH44 में बहुत सारे नेशनल हाईवे मर्ज होते हैं, लाइक NH1, NH1A, NH2, NH3, नेशनल हाईवे 3, NH75, NH26 और NH175 मैंने बोला, NH1A, NH2, NH3, NH75, NH26, ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये कहाँ पे ये मर्ज होते हैं, NH44 में, ठीक है। ये सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे माना जाता है पूरे हिंदुस्तान का, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन इज द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली इज नंबर, अमृतसर यहाँ पे है और ये आपको जाना है कोलकाता, बीच में पड़ती है दिल्ली, ठीक है। यहाँ से जो नेशनल हाईवे जाएगा, इस नेशनल हाईवे का नंबर क्या है? किसी को पता है? कोई अमृतसर से कोलकाता गया वाया दिल्ली, उसको पता होगा, जरूरी नहीं है उसने देखा भी नहीं होगा। तो उस नेशनल हाईवे का जो नंबर है वो है बेटा 2, ठीक है, नेशनल हाईवे 2। ये कहाँ से जाता है? फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली। और इस नेशनल हाईवे को, देखो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इस नेशनल हाईवे को बोलते हैं, नेशनल हाईवे 2 को बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इस नेशनल हाईवे 2 को बोलते हैं। और इसको बिल्ड किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड नेशनल हाईवे 2 जो जाता है अमृतसर से कोलकाता तक वाया दिल्ली, इसको बिल्ड किया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ओके बेटा, हाँ, अगर हम नेशनल वन की बात करेंगे, नेशनल हाईवे 1, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रन करता है। नेशनल हाईवे 4 की बात करेंगे तो ये अंडमान एंड निकोबार को रन करता है, ठीक है। और अगर हम नेशनल हाईवे 8 की बात करेंगे, ये असम से त्रिपुरा जाता है, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, ओके, नेक्स्ट। विच वन इज नॉट लोकेटेड ऑन द नेशनल हाईवे 2? नेशनल हाईवे 2 में इनमें से कौन नहीं आता? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया एंड पटना। देखो बेटा, इसमें आंसर जो है, ओके, जिसने ये दिया, सासाराम, सासाराम नेशनल हाईवे 2 में नहीं आता, ठीक है। औरंगाबाद आता है, मोहनिया आता है, पटना आता है। और अगर हम सासाराम की बात करेंगे, सासाराम आता है नेशनल हाईवे 19 में, ठीक है। इट इज़ नॉट लोकेटेड एट द नेशनल हाईवे 2, ठीक है। नेशनल हाईवे 19 जो है, और 19 की अगर हम बात करते, जो लिंक होता है गाजीपुर से यूपी, गाजीपुर से यूपी, ठीक है। और यहाँ पे ये सासाराम नेशनल हाईवे 19 में आता है, तो नेशनल हाईवे 2 में सासाराम नहीं आता, वो नेशनल हाईवे 19 में आता है, इतना आपको याद रखना, ठीक है।
ओके जी, क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज साइक्लोनिक, कन्वेंशनल, इल्यूसिव या ऑरोग्राफिक। इन चार में से जो हिंदुस्तान की जो रेनफॉल है वो कौन सी है? तो सब बिल्कुल सही दिया आपने, जिस जिसने कन्वेंशनल दिया है। इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो कन्वेंशनल होती है। अब ये कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है? जब ही सन की जो एनर्जी है, सन की जो आयनाइजेशन एनर्जी हम जिसको बोल सकते हैं इन केमिस्ट्री, सन की जो एनर्जी है वो अर्थ को क्या करे बेटा? अर्थ को करे हीट, हीटअप करे। ठीक है, सन की एनर्जी जब अर्थ को, अर्थ की सरफेस हीट हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे वाटर होता है उस, वो होता है इवेपोरेट। क्या होता है? इवेपोरेट होता है वो, मैं कुछ गलत बोले, वाटर क्या होता है? इवेपोरेट किससे? जब सन इवेपोरेट, ओके, जब सन की एनर्जी अर्थ की सरफेस को हीट करती है, और जब ये वाटर जो है वो इवेपोरेट होती है, ऑब्वियसली फिर वाटर किस में चेंज होता है? वाटर वेपर्स में। ठीक है, वाटर होता है चेंज इन टू वाटर वेपर्स। तो उसकी, उसके बाद जब वाटर वेपर्स फिर से फॉल हो जाते हैं, दिस वार्म एंड मॉइस्ट एयर, वी कैन से देन द राइज एंड इट राइज इट कूल्स, उसके बाद ये कूल होकर फिर से वापस गिरता है, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल वाटरफॉल, सॉरी कन्वेंशनल रेनफॉल, और यही हिंदुस्तान में होता है। ठीक है, अगर हम साइक्लोनिक की बात करेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? ये वो रेनफॉल है जब वार्म और कोल्ड एयर आपस में मीट करते हैं, हाय हाय मीट मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपस में मीट करते हैं, मीट ईच अदर, उसके बाद जो भी रेन होती है वो क्या होती है, उसको हम साइक्लोनिक साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। सिंस ये तो आपको पता है, जो वार्म एयर है वो लाइटर होता है और ये कोल्ड एयर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो राइजिंग एयर होता है वो फिर से कूल होता है बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट, और वहाँ से जो रिजल्ट होता है वो हैवी रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, ये आपने आई थिंक जो साइंस स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा। तो सच रेनफॉल लास्ट ऑनली फॉर फ्यू आवर्स, साइक्लोनिक रेनफॉल जो कुछ ही घंटों के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम, चलिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इसमें कन्वेंशनल रेनफॉल आपको ऑप्शन में लिखना है। ठीक है बेटा, हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा जो इंडिया का पार्ट है वो दोनों तरफ से रेनफॉल रिसीव करता है, और वो दोनों तरफ कौन है? साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, ये तमिलनाडु है, उड़ीसा है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसका जो बेटा सही आंसर आ जाएगा, डेट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये रिसीव करता है फ्रॉम द बोथ साइड, चाहे वो साउथ वेस्ट हो या नॉर्थ, आई थिंक इट्स, इट शुड बी द नॉर्थ ईस्ट हेयर, नॉर्थ वेस्ट हो, लेट मी चेक, नो इट शुड बी द नॉर्थ ईस्ट हेयर, चाहे टाइपिंग एरर हुआ है, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए था ये। तो चलिए, जो अंडमान और निकोबार है दोनों साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से रिसीव करता है रेनफॉल, और यहाँ पे बेटा जो मॉनसून है वो स्टार्ट होता है अंडमान निकोबार में, मॉनसून स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट फ्रॉम मई, ठीक है, और दिसंबर तक ही मॉनसून यहाँ पे चलता है, दिसंबर तक ही चलता है, और इसका जो एनुअल रेनफॉल का जो एवरेज होता है वो होता है 3000 mm। ओके बेटा, चलिए क्लियर। क्वेश्चन है द पैडी फील्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। अगर हम पैडी फील्ड की बात करेंगे जो इंडिया में है, तो एनुअली इनको कितना रेनफॉल पड़ना चाहिए? इज इट 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 100 cm और 80 cm? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, डैट इज़ अ 100 सेंटीमीटर इनको पड़ना चाहिए। ठीक है, पैडी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, कहाँ का? पंजाब का, हरियाणा का। ठीक है, और इसके लिए बेटा हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, पैडी के लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ठीक है, विद एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, इससे कम तो बनता नहीं है। ठीक है, इतना इसको हाई ह्यूमिडिटी विद 100 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर आप पैडी फील्ड को दो, तब जाके आपका जो पैडी है वो तैयार हो जाएगा। ओके ओके जी, नाउ क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन है, इन 1724 द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय। इसके लिए आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आई थिंक इसका जो मेरे पास जो पीडीएफ है बेटा, उसका सेकेंड ऑप्शन उसमें ही रह गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे तीन ही ऑप्शन आ गए हैं। हाँ जी, तीन ही ऑप्शन आ गए हैं, तो चलिए उसका आंसर भी इन्हीं तीन ऑप्शन में है। निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह, उस्मान अली खान एंड कमरुद्दीन खान। देखो बेटा, चौथा ऑप्शन क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट इसका जो आंसर है वो यही है, निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह। इसने बनाया था बेटा हैदराबाद को 1724 AD में। ठीक है, अच्छा, अगर किसके रेन में? ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद, ये याद रखिएगा, मैं वापस से रब करती हूँ, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के रेन में आसिफ जाह ने, निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह ने हैदराबाद को
बनाया, फाउंड किया, ठीक है। ये जो था 12th मुगल एम्परर था, अगर हम निजामुल मुल्क शाह के बारे में बात करेंगे, ये 12th मुगल एम्परर था। लेकिन इसके थोड़ा सा और एक मैं पॉइंट बोलूँ, इसके मरने के बाद जो हैदराबाद थी वो काफ़ी डिसरप्टिव फोर्स की, आई कैन से द डिसरप्टिव फोर्स की शिकार बन गई, ठीक है। इसके जाने के बाद 1724 में इसने बनाया निजामुल मुल्क आसिफ जान हैदराबाद, ठीक है। ये 12वें मुगल एम्परर थे, ठीक है, और किसके रेन में बनाया, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। और इसके मर जाने के बाद जो हैदराबाद थी वो बहुत सारी डिस्ट्रप्टिव फोर्स की शिकार बन गई उसके मरने के बाद। ओके बेटा, चलिए, एनी बेसेंट अराइव्ड इन इंडिया, एनी बेसेंट को आप सब जानते हैं, ओके जी, एनी बेसेंट कब हिंदुस्तान आए, इज इट 1878, 1885, 1893 और 1900? अगर हम इसके हिंदुस्तान आने की बात करेंगे तो ये आ गई है 1893 में, इंडिया में आ गई 1893 में। तो एनी बेसेंट क्या थी, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, ठीक है। एक तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, उसके साथ साथ ये बेटा फ्रीडम फाइटर भी मानी जाती है, फ्रीडम फाइटर भी मानी जाती है, और उसके साथ साथ ये क्या थी, वुमेन्स राइट्स सपोर्टर भी ये माना, इसको माना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ जनी है, 1 अक्टूबर 1847 में ये आयरलैंड में जनी है, ठीक है, एक इश लड़की थी ये, ठीक है। और 1893 में ये हिंदुस्तान आई, और जब इसने हिंदुस्तान के यहाँ पे हालात देखे तो इंडियन फ्रीडम में इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे जाके फिर इसने होम रूल लीग, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में, तो ये इसने इस्टेब्लिश किया, और फिर ये INC की भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी ये बन गई है एनी बेसेंट। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन है, ओपन मार्केट की अगर हम बात करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, डेबिट पॉलिसी, डिपॉजिट पॉलिसी एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, इट इज़ अ क्रेडिट पॉलिसी। याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो क्रेडिट पॉलिसी का, ओपन मार्केट ऑपरेशन वो क्या है, क्रेडिट पॉलिसी उसमें आ जाती है, ठीक है। आगे चलिए, ओके नाउ चलते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1920, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 बाय द एक्सकेविशन, ठीक है। किसके एक्सकेविशन होने से, करने से हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया। आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन फिर से मिसिंग है, क्योंकि जहाँ पे ये PDF का ये 2 आ जाता है ना यहाँ पे, तो इसमें जो रहने वाला ऑप्शन है कोई भी लाइन वो मिसिंग हो जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन होने वाला, आई थिंक होना चाहिए यहाँ पे दयाराम शानी, ठीक है, आप सब लोग ने ये दिया होगा दयाराम शानी, और इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन भी वही है, दयाराम शानी। तो सेकेंड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव। और इन केस अगर यहाँ पे दयाराम शानी के बदले और कोई ऑप्शन आता है तो उसका जो ये ना आंसर आता है नन ऑफ द अबव। मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बोल रही हूँ, दयाराम शानी ने इसको एक्सेविट किया था 1920-21 में, उसकी वजह से ये हड़प्पा जो है वो डिस्कवर हो गए थे। फिर से मैं एक बार ही बता के चलूँ, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन होगा तो वही ठीक है, अगर यहाँ पे इसके बदले कोई और ऑप्शन होगा तो इसका नन ऑफ द अबव आ जाएगा। फिर भी मैं इसमें, अब चूंकि क्वेश्चन उधर उधर गया तो थोड़ी बहुत मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये आप सबको पता होगा जो आप सबको पता होगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे हम, IVC की बात करेंगे, फ्लोरिश हो गई थी बिटवीन 2500 BC टू 1750 BC, ये इस दरमियान क्या हो गई थी, फ्लोरिश हो गई थी, ठीक है। और अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो ये साइट थी ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस में, ठीक है। तो अगर हम रिवर की बात करेंगे तो कौन से रिवर पे थे, आप सबको पता होगा, रिवर रवि, जहाँ पे हड़प्पा, बैंक्स ऑफ द रिवर रवि जहाँ पे हड़प्पा लोकेट थी। तो अगर हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा और भी जब आप जानते हो तो वहाँ पे ये लोकेट जब थे सेमी एरिड लैंड्स पे वेयर इरिगेशन वाज प्रॉब्ली रिक्वायर्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, तो पानी के बिल्कुल मतलब नज़दीक रहते थे, जिसकी वजह से हमें पता चला ये जो हड़प्पा के पीपल होते थे वो एग्रीकल्चर के साथ करते थे, ठीक है। अच्छा, ये आप किसने डिस्कवर किया है, जो मैंने बोला दयाराम शानी एक आर्क्योलॉजिस्ट थे जिनके वो उसने उस एक्सकेविशन को सुपरवाइज किया, और 1920 और 1921 में ये हड़प्पा बेटा डिस्कवर हो गया था। अब यहाँ पे चूँकि मैंने पहले ही बोला डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इनको वापस एक्सवेटेड किया किसने, उसको बोलते हैं मधु स्वरूप
मधु स्वरूप वत्सा, इसने 1922 में हरप्पा को वापस से एक्सकेवेट किया, और व्हीलर जो यहाँ पे ऑप्शन है इसने 1946 में यहाँ पे हरप्पा को वापस से एक्सकेवेट किया। तो इसीलिए मैंने बोला डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब 1922-1921 था तो आंसर आ जाता दयाराम चांद, ठीक है। और दयाराम शानी ने जब उसने एक्सकेवेट किया तो बहुत सी मेजर फाइंडिंग्स थी, जैसे सैंड स्टोन स्टैचूज थे ऑफ ह्यूमंस की, एनाटमी, ग्रैनरीज, ब्लॉक आर्ट्स, क्ले फिगर्स थी ऑफ जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो गॉड्स और गॉडेसेस की, ठीक है। कॉपर मेड मिरर थे, ठीक है। तो वो फाइंडिंग्स यहाँ पे दयाराम शानी को मिले, तो इसका आंसर आ जाता दयाराम शानी। नीचे के तीन ऑप्शन नहीं आते, लेकिन अगर दयाराम शानी के बदले कोई और आता फिर इसको ऑप्शन आ जाता नन ऑफ द अबव। ओके बेटा, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो इनकम टैक्स है इंडिया में वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, विलियम जॉन्स, जेम्स विल्सन, निकोलस कैल्डोर या महावीर त्यागी। इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन बोलना है किसने इनकम टैक्स हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने ही यहाँ पे हिंदुस्तान में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, और आपको मैं बता के चलूँ ये ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग, उनके टेन्योर में जेम्स विल्सन ने बेटा इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में, और जेम्स विल्सन ही इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मेंबर बने हैं जेम्स विल्सन, जिसने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया है हिंदुस्तान में, ठीक है। चलो आगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन, मिड डे मील स्कीम को कब लॉन्च किया गया, इस मिड डे मील स्कीम को हम पीएम पोषण भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, और ये कब लॉन्च हुई, इसका राइट ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है अगस्त 15 2000, अगस्त 15 1992, अगस्त 15 1995, अगस्त 15 2001, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अगस्त 15 1995 में ये लॉन्च हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस मिड डे मील में क्या होता है आपने पढ़ा होगा, इस मिड डे मील में गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वर्किंग डेज पे फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, या आंगनवाड़ीज में भी उनको फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस मिड डे मील स्कीम का, यहाँ पे इनको चिल्ड्रंस का जो एनरोलमेंट है स्कूल्स में वो बढ़ाना है, ठीक है, अटेंडेंस को बढ़ाना है, और जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास से एट्थ क्लास तक पढ़ते हैं मतलब उनकी अटेंडेंस आ जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आ जाए, वो इसका ऑब्जेक्टिव है, और कोई भी बच्चा न्यूट्रिशनल स्पोर्ट के लिहाज से पीछे ना रहे, सब बच्चों को एक जो बेसिक न्यूट्रिशंस हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग अथॉर्ट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक है, तो इसको किसने लिखा है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड दादाभाई नौरोजी, ठीक है, इन चारों में से ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दादाभाई नौरोजी है, इसने यहाँ पे लिखी है ये बुक, ठीक है। अगर मैं दादाभाई नौरोजी के बारे में आपको थोड़ा सा दो तीन पॉइंट ऐड कर लूँ, तो दादाभाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये इंडिया के पहले, आई कैन से द फर्स्ट इंडियन थे, इंडिया के पहले थे जो कि मेंबर ऑफ, आप सबको पता होगा, मेंबर ऑफ किसके बने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन थे ये जो वहाँ पे क्या बने, इसके मेंबर बने, ठीक है, और इसने जैसे लंदन इंडियन सोसाइटी या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाया है, और 1885 में जो ये दादाभाई नौरोजी थे ये वाइस प्रेसिडेंट बने, कहाँ के बेटा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, ठीक है, और यही वो शख्स है जो तीन बार INC इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और वो डेट क्या थी, 1886, 1893 और 1906 में, ठीक है। तो इसने और भी कुछ, इसकी कुछ और भी राइटिंग्स थी, जैसे पॉवर्टी इन इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पारसीज, कंडीशन ऑफ इंडिया, वो सब इसकी राइटिंग थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा है, तो उसका ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। ओके जी, अब क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930, मुस्लिम लीग 1930 में उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन था। ओके, ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिना या शौकत अली, इन चारों ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन बोलना है, और इन चारों ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन इसका राइट है सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है। वो इलेक्ट हुए थे 1930 में, इलाहाबाद सेशन जो हुआ था वहाँ पे वो इलेक्ट हो गए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है बेटा। अच्छा, इनका जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था वहाँ पे जो हुआ था 30 दिसंबर को,
1930 में, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने एक विजन जो था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो हुआ था वहाँ पे इन्होंने इसको आउटलाइन किया था, ठीक है। और आपको मैं बता के चलूँ, जो मोहम्मद सर मोहम्मद इकबाल थे, ये बहुत ही ज़्यादा इनको याद किया जाता है या बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही फेमस पोइम के लिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर ऑफ, ठीक है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न एंड साउदर्न। इसका जो राइट ऑप्शन है, इट्स नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, इसका पहला ऑप्शन है, ठीक है। नॉर्दर्न एंड, अगर ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, तो यहाँ पे जो है इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न में, ठीक है। और इंडिया का अगर आपका थोड़ा बहुत आपको ये पता होगा, जो इंडिया का मेन लैंड है वो एक्सटेंड होता है, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या है, 68 degrees 7 minutes ईस्ट, ठीक है। और अगर हम लेटिट्यूड की बात करेंगे तो वो है 8 degrees 4 minutes नॉर्थ और 37 degrees 6 minutes नॉर्थ, और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, डेट इज 68 degrees 7 minutes ईस्ट एंड 97 degrees 25 minutes ईस्ट। ये जो एक्सटेंड है वो इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है बेटा। चलिए ओके जी, नाउ द क्वेश्चन इज, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन नॉर्थ एंडमैन, साउथ एंडमैन, मिडिल एंडमैन या लिटिल एंडमैन। इसका जो ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, साउथ एंडमैन में ये पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर के बारे में, ये क्या है, एक्चुअली इज अ एंडमैन एंड निकोबार जो है, जो यूटी है, उसकी ये कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, उसकी ये कैपिटल है। तो अगर हम एंडमैन की, एंडमैन आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी, एंडमैन आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा, तो ये डिवाइड हुआ है इंटू थ्री मेन लैंड्स, मतलब नॉर्थ एंडमैन, ठीक है, मिडिल एंडमैन और साउथ एंडमैन, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो 10 degree, यहाँ पे जो 10 degree चैनल है, 10 degree चैनल, वो इनको सेपरेट करती है एंडमैन फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स को, एंडमैन सेपरेट करती है फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स को। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स वो है द लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड, द ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो माना जाता है लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड। और इसका जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, कहाँ, सुमात्रा, ये आपको पता होगा, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। मैं फिर से एक बार ही बोलूँगी, पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में लोकेट है, और पोर्ट ब्लेयर इज ए कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे, ये तीन मेन आइलैंड में डिवाइड हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। और अंडमान और निकोबार आइलैंड कैसे सेपरेट होते हैं, द 10 degree चैनल से, ठीक है, 10 degree चैनल से ये आपस में सेपरेट करते हैं। और अगर हम निकोबार आइलैंड की बात करेंगे, उसमें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसका साउदर्न मोस्ट आइलैंड किसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है बेटा। चलिए ओके, मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैग्नॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री, ये जो मैग्नॉट लाइन है ये कौन सी कंट्री में एग्जिस्ट होती है, नाम्बिया एंड अंगोला, यूएसए एंड कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, इसका फोर्थ ऑप्शन है, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। आपको ये बोलना है कि कौन से कंट्री में ये एग्जिस्ट होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, डैट इज फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। मैग्नॉट लाइन के बारे में मैं आपको बोलूँगी, ये लाइन, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है, डैट इज फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। इसके बारे में मैं अगर आपको बोलूँ मैग्नॉट लाइन के बारे में, ये एक डिफेंसिव लाइन है, इट इज़ अ डिफेंसिव लाइन इन फ्रांस, ठीक है, डिफेंसिव लाइन है फ्रांस में ये है। और इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया है, इट्स 1930 में इसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, मैग्नॉट लाइन जो है ये डिफेंसिव लाइन है फ्रांस में, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 1930 में, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट अटैक ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसको फ्रांस ने बनाया है, अगेंस्ट द अटैक ऑफ जर्मनी, उनकी डिफेंसिव लाइन मानी जाती है, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट,
हम किस रीज़न से ये ज़रूरी है कि ताकि हम सिक्योर करें लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, इज इट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या उसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड उसके लिए, मोर रेन के लिए, या इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए? लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन आएगा डेट इज़ अ इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि हम मेंटेन करें बेटा इकोसिस्टम को, ठीक है, इकोसिस्टम ऑन लैंड एरिया, ठीक है, इकोसिस्टम ऑन जहाँ पे ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे क्या ह्यूमन बींग्स ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज किया है हैबिटेट्स को, स्पेशली फॉरेस्ट बायोम्स को, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उनको, उसको हम मेंटेन करें ताकि हम फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करें, ठीक है। इसका यही एक इम्पॉर्टेंस है, इसकी यही एक वजह है, हम इसीलिए लार्ज एरिया जो सिक्योर करना चाहते हैं फॉरेस्ट के, ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वो करें, क्योंकि पहले ही ह्यूमन बींग्स ने बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है मोस्ट ऑफ द हैबिटेट्स को, स्पेशली फॉरेस्ट बायोम्स को, ठीक है। तो इसीलिए हम इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा एरिया जो फॉरेस्ट का वो सिक्योर करना चाहते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है, अब पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ये तो पिन वैली नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इज इट इन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज हिमाचल प्रदेश में ये पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता के चलूँ, इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया ने बाय जनवरी 1987 में, ठीक है, 1987 में इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। ओके बेटा, ओके जी बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड द सेकंड सैटेलाइट मून टू इन द स्पेस इन मार्च 2022, ठीक है बेटा, ये करंट का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है इसराइल, सऊदी अरबिया, ईरान, और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है जो कि पीडीएफ से ऑनलाइन में गया है, लेकिन द सेकेंड ऑप्शन इज यूएई होगा यहाँ पे। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ईरान, ईरान ने ये नूर टू स्पेस में भेजा था सेकेंड सैटेलाइट। ईरान पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसको लॉन्च किया था, उनकी तरफ से लॉन्च हो गया था ये, ओके, मार्च 2022 में उन्होंने लॉन्च किया ये। और अगर मैं इसके आल्टीट्यूड के बारे में बोलूँ तो ये यहाँ पे था 500 किलोमीटर, एंड आई कैन से 311 माइल्स तक ये सैटेलाइट गई, ओके, चलिए। द क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड वायोमित्रा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन रोबोट को डेवलप किया, इंडियन रोबोट को, जिसका नाम था वायोमित्रा? CBSE पुणे, इसरो, TIFR या DRDO? और इसका आपके पास ऑप्शन है, हाँ जी, इसका जो ऑप्शन मैंने बोल दिया, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसरो। तो एक्चुअली तो ये है ना वायोमित्रा, मित्रा, ये एक्चुअली दो संस्कृत वर्ड से बनाया गया है, मतलब इसका जो नाम है वो लिया गया है, वायोम मतलब स्पेस एंड मित्रा मीन्स फ्रेंड, स्पेस फ्रेंड, ठीक है, इसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया। और 22 जनवरी में इसको अनवेल किया गया है, 22 जनवरी 2020 को इसको अनवेल किया गया, ठीक है बेटा, इसको इसरो ने बनाया है। ओके, ओके, जो क्वेश्चन है अब, What was the name of the space shuttle that landed man on the moon? इसका क्या आंसर आएगा, अपोलो, चैलेंजर, कोलंबिया या ईगल? और ये सब तो, ये सब आपको पता ही होगा इसका आंसर, और इसका राइट आंसर है अपोलो, इवन अपोलो 11 इसका नाम है, ठीक है। ये एक फर्स्ट स्पेस मिशन था जहाँ पे जिसने मैन को मून तक ले लिया, ठीक है बेटा। और अगर मैं इसका लॉन्च डेट बोलूँ, डेट वॉज July 16, 1969। ओके बेटा, दिस इज ऑल फॉर इट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑर्गन डोनेट करना, ठीक है, उसका दिन कब मनाया जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है, जो मैंने बोला कि मिसिंग है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 13th of August, 4 August, 5 August या 2nd August। और इसका जो राइट ऑप्शन है डैट इज़ अ 13th August को, रिसेंटली हो गया था वर्ल्ड, ओके, इट इज़ अ इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, हाँ जी, इसका 13 अगस्त आ जाएगा, आई थॉट कि ये वर्ल्ड है, ओके, इंडियन ऑर्गन वर्ल्ड पे भी और इंडिया पे भी 2024 में जो रिसेंटली हुआ था 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाएगा। इस हिसाब से जो ऑब्जर्व किया गया है एवरी ईयर ही मनाया जाएगा। और इसका जो थीम है ऑर्गन डोनेशन डे का, बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल टुडे, ठीक है, इसका ये थीम इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल टुडे। और ये जो ये थीम है ये आई थिंक हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके बेटा,
ओके जी, यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल करंट्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट्स का क्वेश्चन है। जो जो करंट्स, जो भी जे के सी एस सी, जो आफाक सर, बाई आफाक सर, उस चैनल पे जो करंट्स आते हैं, जो जो वो लेक्चर अटेंड करता है, वो बंदे इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज, लक्ष्मण आचार्य, नवीन जिंदल या हिमांशु खटरी, इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? और इसका जी बेटा राइट ऑप्शन पहला है, डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज, ठीक है, हेड ऑफ द मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इंडियन मैनेजमेंट। और इसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CMFRI के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है बेटा? इसके हेडक्वार्टर्स है कोची में, ओके, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ओके ओके। ये भी करंट्स का क्वेश्चन है, यंग भारत ओलंपियाड YBO हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो है यूपी, बिजनौर में ही स्टार्ट किया गया है यंग भारत ओलंपियाड, ओके बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 32, और PDF को जो ये है क्वेश्चन नंबर 33 के जो ऑप्शंस आए हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले भी शायद आई गेस क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा हुआ था जो मैंने छोड़ दिया था। ये दो क्वेश्चन मैंने याद रखे हैं एट द एंड ऑफ द, जब मैं ये सारा खत्म करूंगी, मुझे क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता है यहाँ पे क्या कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आए हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन को हुआ था, ये मैं आपको एंड में करवा दूंगी। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has assumed the additional charge of Director General Border Security for Daljit Singh Chaudhary, Sujit Singh, Nitin Agarwal, Subdo Jaiswal? बिल्कुल ये करंट्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये करंट्स का क्वेश्चन है। दलजीत सिंह चौधरी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ओके। इन्होंने टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल BSF, ठीक है, शास्त्रीय सीमा बल के अपॉइंट हो गए हैं यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। और ये एक सीनियर IPS ऑफिसर है ऑफ यूपी कैडर की। चलो बेटा, ये बिल्कुल करंट है। ग्राम थोप पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ग्राम थोप जो रिसेंटली इस दुनिया से चले गए हैं, कौन से स्पोर्ट से वे रिलेट करते थे? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल, बताइए। हाँ जी, चलो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा क्रिकेट आएगा। और आपको मैं बता के चलूँ, ही वॉज अ फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर, ठीक है, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर थे वो, ठीक है, जो अभी अभी हाल ही में इस दुनिया से चले गए हैं, ओके। द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, अर्थ समिट जो है किसने ऑर्गेनाइज किया था? ओके, तो क्वेश्चन है ये यहाँ पे, अर्थ समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया? तो आपको जो पहला है यूनेस्को, UNCED, WHO या UNICEF, ठीक है, इन चारों में से अर्थ समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया? तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा UNCED, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि हुआ था 3-14 जून तक 1992 में, ठीक है, इन रियो डी, जो कि यहाँ पे है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हो गया था ये। यहाँ पे अर्थ समिट को इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया। ओके, चलिए मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़े, पापा सुधानाथ स्प्रिंग लोकेटेड इन डैश ऑफ द कश्मीर रीजन? कश्मीर रीजन में ही है लेकिन कौन से कश्मीर में ही है लेकिन कौन से रीजन में? बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग या अच्छापर? तो इसका जो बेटा राइट ऑप्शन है डैट इज अनंतनाग में सिचुएटेड है, ठीक है, कोकरनाग में सिचुएटेड है, बहुत सारे लोग गए होंगे कोकरनाग में सिचुएटेड है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक ब्यूटीफुल एंड एल्यूरिंग डेस्टिनेशन है, और जहाँ पे टूरिस्ट कोई ट्रैक करता है सीकिंग सीरेनिटी एंड नेचुरल ब्यूटी, ओके। और अगर हम ये जो ये प्लेस है, इट इज़ ब्लेस्ड विद अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी, और बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स का ये होम यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करेंगे, सो 2020 मीटर्स पे अबो सी लेवल पे ये यहाँ पे सिचुएटेड है। और अगर हम यहाँ पे पापा सुधानाग स्प्रिंग की बात करेंगे, तो माना जाता है इसके जो एक्साइटिंग फ्यूचर्स जो इस स्प्रिंग के हैं, इज इट्स जो कि इसके पानी में है वेरी वेल नोन बिकॉज ऑफ द यूनिक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज इसके पानी में, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज और कुछ मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी ये इसका पानी माना जाता है, ओके, ये अनंतनाग में, कोकरनाग में, ओके बेटा, ओके चलिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज विच, नो, द डैश गार्डन वॉज बिल्ट इन 1620 AD बाई मुगल एम्परर जहांगीर वाइफ नूरजहान, जो कि नूरजहान ने कौन सा गार्डन 1620 में बनाया था, जो कि एक मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ थी। तो ऑप्शन इज द अच्छाबल, वृंदावन, अवंतीपुरा, नन ऑफ द अबव। और इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अच्छाबल, ठीक है, अच्छाबल नूरजहान ने बनवाया था, और इसको हम कहते हैं द अच्छाबल गार्डन आर ऑल्सो नोन एज द प्लेसेस ऑफ द प्रिंसेसेस, द प्लेसेस ऑफ द प्रिंसेसेस नहीं प्रिंसेस,
द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, कहाँ पे है ये सबको पता होगा, तो सारे गए होंगे। ये है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न एंड पे, साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ द कश्मीर, और इसको किसने बनाया था, नूरजहां ने, और उसको रिबिल्ड भी किया है फिर उसके बाद गुलाब सिंह ने इसको रिबिल्ड भी किया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कितना याद रखना है, नूरजहां ने अच्छाबल गार्डन बनवाया है 1620 में। ओके बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आलजी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन, आलजी मोनेस्ट्री कहाँ पे लोकेट है, लेह में, करगिल में, बारामूला में या सांबा में। और इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लेह। ठीक है, ये आलजी विलेज में है, वहाँ पे आलजी विलेज में इन द लेह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये अंडर आता है अंडर द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ओके बेटा, इतना इसमें आपको याद रखना, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल्स इरीगेट द प्लेस ऑफ कुपवारा, सोपोर एंड हंदवारा। इन कैनल्स में से कौन सी वो कैनल है जो कुपवारा, सोपोर और हंदवारा को इरीगेट करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज मार्टंड, जांगीर, लालकुल या शराबकुल। और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा डैट इज ऑप्शन सी, लालकुल के नाम। ठीक है, ये एक वाइटर रोल प्ले करती हैं जो इन एरियाज को, कुफवारा, सोपोर और हंदवारा को इरीगेट करते हैं। अगर मार्टेड कैनल की बात करेंगे तो इट्स नॉट नोन फॉर इरीगेशन दी स्पेसिफिक एरियाज, या अगर शराबकुल या जांगीर कैनल की भी बात करेंगे, ये इन एरियाज को इरीगेट नहीं करती है। ओके, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। कौन सा लेक कॉमनली, जिसको माना जाता है सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर, सारे कश्मीरी लेक्स जो है उनका सुप्रीम जिम माना जाता है। एज इट्स का ऑप्शन फर्स्ट मिसिंग है, तो सेकंड ऑप्शन डल लेक, वेट डल लेक, वुला लेक या गंगबल लेक। ओके, इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आना चाहिए था यहाँ पे, मानसबल लेक। ठीक है, मानसबल लेक, और इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन भी इसका मानसबल लेक ही है। मानसबल लेक को सारे जो जितने भी कश्मीरी लेक्स है उसका सुप्रीम जिम माना जाता है। और मानसबल लेक में आपको बताते चलूँ, बहुत सारों को पता होगा, ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में लोकेट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में लोकेट है, जिसको कश्मीरी लेक्स का सुप्रीम जिम माना जाता है। ओके बेटा, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहलिम रिवर रन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। कौन से माउंटेन रेंज में जहलिम रिवर रन करता है, जांसकरण, पीर पंजाल या ग्रेटर हिमालय, शिवालिक एंड मिडिल हिमालय, लद्दाख और पीर पंजाल। तो कौन से माउंटेन रेंज में ये रन करता है। ठीक है, इसका जो आंसर है पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय से ये रन करता है। ठीक है, जहलिम रिवर जो है किन दो माउंटेन रेंज के बीच में रन करता है, पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय के बिटवीन में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी सीट्स मेंबर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन इन द रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 फर्स्ट ऑप्शन है 87, 83, 107 एंड 90। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे ये 107 को आप देने, 107 से 114 की जो सीट्स हैं वो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में कश्मीर के लिए 107 to 114। आप चूँकि यहाँ पे 114 ही दिया है तो आपको करेक्ट ऑप्शन 107 ही रखना है। इट्स अंडर द आर्टिकल 239A। ओके बेटा, जहाँ पे एक्चुअली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी को फॉर्मुलेटेड किया गया था, और यही भी अब कश्मीर के लिए भी बनेगा। ठीक है, जो एलजी है अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स विल उसके हिसाब से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 से 114 की जो सीटें हैं वो इनको रहेंगी। ओके, चलिए मूव करते हैं। हु नॉमिनेट्स टू वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच सेक्शन। क्वेश्चन है हु नॉमिनेट्स टू वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन विच सेक्शन। और इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जेएनके अंडर सेक्शन 15, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जेएनके अंडर सेक्शन 17, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जेके अंडर सेक्शन। तो इसका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन 15 के तहत जो हमारे के एलजी साहब जो है वो नॉमिनेट टू वुमेन को नॉमिनेट करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके बेटा, तो चलिए आगे। अच्छा, स्टेट रिजर्व्ड फॉर SC ST कौन सा सेक्शन हमें बोलता है, और वो आपको पता होगा सेक्शन 46। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन अंडर सेक्शन 46। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, हांगुल कौन से स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का एनिमल माना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज लद्दाख, सेकेंड इज JNK, उत्तराखंड एंड या बोथ ए एंड बी। लेकिन इसका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है जम्मू एंड कश्मीर का ये स्टेट एनिमल और यूटी एनिमल माना जाता है। ओके, अच्छा, इनमें से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्पेसिफिक फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ एक्ट और या जो रूल है कौन सा एग्जिस्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। यू हैव अ फोर ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट 1997, 1937, 1967 और 1987। तो मैं आपको बता के चलूँ, इसका जो ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट 1987 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा,
ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे आपको पता है यहाँ पे 4 नेशनल पार्क्स है और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और अब आपको यहाँ पे बोलना है कि कितने कंजर्वेशन रिजर्व्स या वेटलैंड रिजर्व्स यहाँ पे है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 29 यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व और वेटलैंड रिजर्व है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता के चलूँ, क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना है 4 नेशनल पार्क्स का नाम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, 4 नेशनल पार्क्स का आपको यहाँ पे नाम बोलना है। ओके, आगे चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड डॉक्टर सामिया प्रसाद मुखर्जी टनल ऑन 2 अप्रैल 2017, किसने इनॉग्रेट किया था? यू हैव अ 4 ऑप्शन, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी। तो इसका जो बेटा राइट ऑप्शन आ जाएगा वो है नरेंद्र मोदी, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था डॉक्टर सामिया प्रसाद मुखर्जी टनल ऑन 2 अप्रैल 2017। और मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोलूँ, जो ये डॉक्टर सामिया प्रसाद मुखर्जी टनल है इसको हम छिनानी टनल, छिनानी नश्री टनल भी बोलते हैं, ठीक है, छिनानी नश्री नश्री टनल भी बोलते हैं, और ये NH 44 पे लोकेटेड है। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसके जो क्रॉसेस आते हैं वो आते हैं पटनी टॉप, कूद बटोटी, छिनानी से स्टार्ट हो जाता है, छियाछनी से स्टार्ट हो जाता है और एंड हो जाता है ये नश्री। ठीक है बेटा, यहाँ से तो आप बहुत बार ही गए होंगे। ओके, 2011 में स्टार्ट हो गई थी और 2017 में ही ओपन हो गई। ठीक है, अच्छा, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मेन ट्रैफिक टनल, इज इट 10 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर या 17 मीटर? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज अ 13 मीटर, इसका जो राइट ऑप्शन है 13 मीटर इसका डायमीटर है। ओके बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज, जम्मू रेडियो स्टेशन आर्किटेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड डैश बाय महाराजा हरि सिंह इन प्रेजेंस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु हैज प्लान टू हैव द रेडियो स्टेशन इन जम्मू। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ डिसम्बर, आई थिंक इट्स नॉट 11, इट्स डिसम्बर 1, 1947, डिसम्बर 9, 1950, डिसम्बर 10, 1951, नन ऑफ द अबाव, और इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा इज द फर्स्ट ऑप्शन, डिसम्बर 1, 1947 को ये इनॉग्रेट हुआ है। ओके, ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ट्रीटी वॉज नोन एज अ सेल ऑफ कश्मीर, सेल ऑफ कश्मीर कौन सी ट्रीटी को माना जाता है, इज इट ट्रीटी ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ जम्मू और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये सबको पता होगा, कोई कैसे बोल सकता है, इट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर को माना जाता है सेल ऑफ कश्मीर। और आप मुझे बोलेंगे ये ट्रीटी किस किस के, लेटर बी ए और बी, ए का नाम क्या था और बी का नाम था, किन दो के बीच में ही हो गई थी। ओके, चलिए देखो बेटा, यहाँ पे ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ट्विस्टेड, और जिनको टनल्स के दूसरे नाम भी पता होंगे वो इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, और जिनको नहीं पता होंगे उसका तो ये मार्क्स कट गया। ये कहते हैं कौन से ईयर में छिनानी टनल नश्री या छिनानी नश्री टनल ओपन हुई फॉर द जनरल पब्लिक? अभी अभी मैंने बोला, अभी अभी हमने, मैं आपको वापस लेके चलती हूँ, अभी अभी वेटर, ये जो डॉक्टर सामिया प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, जो इनॉग्रेट हुई है 2 अप्रैल 2017 को, जिसको नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, मैंने इसको बोल, मैंने अभी आपको बोला इसको हम छिनानी नश्री टनल भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ट्विस्टेड आता है यहाँ पे, देखो कब छिनानी नश्री टनल पब्लिक के लिए ओपन की गई, तो इसका अब क्वेश्चन क्या जाएगा, 2017। तो टनल एक ही है, बस नाम दो लेके दो क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। ओके बेटा, तो इसीलिए आप जो टनल है या कोई भी माउंटेन है या कोई भी लेक है उसके जो फेमस फेमस दूसरे तीसरे नाम है वो याद करके जाइएगा एग्जाम में। ओके, द फेमस कंपोजिशन शिकायत वॉज रिटन बाय, किसने कंपोजिशन जो एक पोइट्री थी पर्शियन में लिखी गई थी, ठीक है, तो ये किसने लिखी है बेटा, सुल्तान जैनलाबुद्दीन, हैदर अली, यूसुफ शाह चक अली, नन ऑफ द अबो, और इसका है ऑप्शन जैनलाबुद्दीन। बिल्कुल, जीके यूटी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, जैनलाबुद्दीन ने इसको लिखा था, बहुत ही फेमस पोइट्री है, पर्शियन में लिखी गई थी, ट्रांसलेट भी हुई है फिर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, करेबा सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग वीट, सैफ्रन, राइस और टी, इन चारों में से। यूं तो ये एप्पल्स के लिए भी होता है करेबा सॉइल, ठीक है, वॉलनट्स के लिए भी होता है, ठीक है, आलमंड्स के लिए भी होता है। ओके बेटा, बट यहाँ पे चूंकि इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये यहाँ पे सैफ्रन के लिए बेस्ट होता है। ओके, Which of the following two high-quality crops are extensively cultivated in Jammu region of Jammu and Kashmir? ठीक है,
ओके, इनमें से कौन दो हाई क्वालिटी के क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेट किया जाता है जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू हाई क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मशरूम एंड सोयाबीन, सैफ्रन एंड जीरा, मस्टर्ड एंड पीज, या बासमती एंड राजमा? तो इसका जो बेटा राइट ऑप्शन आ जाएगा, इट इज़ बासमती एंड राजमा, जो कि हाई एक्सटेंसिवली हाई क्वालिटी के क्रॉप्स है जो कि जम्मू रीजन में पाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, जबकि कश्मीर में सैफ्रन एंड जीरा को कल्टीवेट करते हैं. ओके, हिमालयन ड्राई फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन? ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, वन सेकेंड, कहाँ पे पाए जाते हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट? ना तो ये कश्मीर रीजन में पाए जाते हैं, ना जम्मू में, ये पाए जाते हैं बेटा लद्दाख रीजन में. ओके ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा ट्री, विच ट्री ग्रोज वेल इन लद्दाख? पाइन, ब्लू, चीर, विलो एंड देवदार? तो इसका जो बेटा आंसर आ जाएगा, विल्लो आ जाएगा. विल्लो जो है वो लद्दाख में पाया जाता है. इसके साथ पॉपुलर भी या कुछ श्रब्स भी, एप्रिकॉट भी, वॉलनट्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन ब्लू पाइन, चीर और देवदार वहाँ पे नहीं पाया जाता, वहाँ पे विल्लो वाला जो है ट्री वहाँ पे पाया जाता है. ओके ओके, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया कि दाशीगाम को कौन से ईयर में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था? वो है 1981. पहले ये इसको इंश्योर करते थे कि यहाँ से श्रीनगर सिटी को बिल्कुल क्लीन वाटर मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसको प्रोटेक्ट किया 1910 में, 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क. तो क्वेश्चन नंबर 60 क्योंकि नहीं आया है यहाँ पे, और जितने भी मिसिंग क्वेश्चन है मैं एट द एंड वो करवा दूंगी आपको. नाउ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आई विल हेल्प हिम इफ ही, नाउ इंग्लिश मुझे लगता है जनरल इंग्लिश का है ये, 24 मार्क्स का है. हाँ जी, क्या आ जाएगा? आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क. ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा? ठीक है, ये जो सेंटेंस है, अगर आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है, ये से स्ट्रक्चर्ड हुआ है एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे ये स्ट्रक्चर्ड हुआ है. ठीक है बेटा, ओके. अब इसमें क्या है, इसका जो मेन क्लॉज है आई विल हेल्प, इसका जो मेन क्लॉज है याद रखिएगा आई विल हेल्प, और इसका जो कंडीशनल क्लॉज है इफ ही, और इफ ही जो लगेगा कि मैं आपको बोलूंगी, जो अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को हम यूज करते हैं इन द कंडीशनल क्लॉज में, इन द कंडीशनल क्लॉज में, ताकि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस, ये ऑलरेडी जो है ये सेंटेंस ये कंडीशनल स्टेटमेंट में है, और इसका जो मेन क्लॉज है दैट इज आई विल हेल्प, और उसका जो कंडीशनल क्लॉज है दैट इफ ही, और हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं कंडीशनल क्लॉज में, ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी और अ लाइकलीहुड. तो इस यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल आपको कौन सा दिया जाता है, आस्क्स. सो इफ ही आस्क्स, ठीक है, इफ ही आस्क्स, वो ये जो प्रेजेंट सिंपल होता है मैंने अभी भी बोला, वो हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड उस एक्शन के लिए जो फ्यूचर में होना है, जो फ्यूचर में अकर हो जाएगा. अब अगर आप अदर ऑप्शंस देखोगे वो यहाँ पे फिट नहीं बैठते. ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज इट यूजेस द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और नॉट ये फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बाय द मेन क्लॉज. ऑप्शन बी अगर देखेंगे, इट इज अ पास्ट टेंस विच डज नॉट फिट द कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है, ऑप्शन डी अगर देखेंगे वो एक फ्यूचर टेंस है, लेकिन जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी फ्यूचर टेंस है खुद से, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर, आस्क्स. ठीक है बेटा, ओके ओके जी. नाउ द क्वेश्चन इज, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम. ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास परफेक्ट टेंस है, या पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है? और इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, इज इट अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आई हैव बीन और वर्ब है प्लस आईएनजी. ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, इज इट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? ओके बेटा, चलिए तो स्टेटमेंट पढ़िए. फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शार्पली अटैक द यूएसए. इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट एंथनी फेविकी और हिज हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक डिमांडेड रिप्रेशन फ्रॉम चाइना एज डिनाउंसड एन इन्वेस्टिगेशन इन टू हिज फिनेंस इन अ स्पीच इन नॉर्थ कैरोलिना. आप हमें बोलिए, क्या आपको इस जो ये पी क्यू आर एस टी के स्वीकेंस में दिया है, तो क्या आपको इसकी स्वीकेंस करने की इसकी स्वीकेंस चेंज करने की ज़रूरत है? अगर आप ये स्टेटमेंट वापस से पढ़ लें,
वापस से पढ़ लें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ है एस टी क्यू आर पी, तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। फ्रॉम चाइना एंड यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेशन, टी वाला ऑप्शन आ जाए। इन टू हिज फाइनेंस इन स्पीच इन नॉर्थ कैरोलिनिया, इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट एनाथोनी फ्योकी ओवर हिज, नहीं ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। पी आर एस क्यू टी, मुझे लगता है अगर आप इनको एज इफ रखोगे पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे इसको नो रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसको दो तीन बार पढ़ लिए ये खुद ही सेंस देता है। जो कि डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेजिडेंट रहे यूएसए के, शार्पली अटैक कर दे यूएसए, ठीक है। क्यों इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट एंथोनी फेविकी ओवर हिज हैंडलिंग ओवर द कोरोना वायरस पैंडेमिक डिमांडेड रिपार्शन फ्रॉम चाइना एंड यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेशन इन टू हिज फाइनेंस इन स्पीच नॉर्थ कैरोलिनिया, इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके अच्छा, डैश आई कॉल द विटनेस, कुड आई कॉल द विटनेस, कैन आई कॉल द विटनेस, Should I call the witness or may I call the witness? देखो यहाँ पे जो call the witness है, I call the witness, ये कुछ suggest करता है, it suggests like a requesting, that someone is requesting a witness to testify or provide evidence in a legal setting. ये जो हो रहा है ना, कोई क्या मैं witness को बुलाऊँ, ठीक है, ताकि वो कोई लीग एविडेंस हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ requesting की तरफ से तरफ हमें इशारा दे रहा है। ओके बेटा, और जब हम वैसे रिक्वेस्ट, व्हेन वी आर मेकिंग सच रिक्वेस्ट, तो अप्रोप्रिएट वर्ड और अप्रोप्रिएट आंसर उसमें आता है मे मे, ठीक है। ये जो द वर्ड मे है, ये हम एक्सप्रेस करते हैं फॉर द परमिशन के लिए, परमिशन के लिए, या हम करते हैं ये बेटा पॉसिबिलिटीज के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन और पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो ये इंडिकेट करता है जो ये स्पीकर है, ये स्पीकर इज सीकिंग द परमिशन और ग्रांटिंग समवन एल्स टू डू समथिंग, ठीक है, टू डू समथिंग। और अगर हम यही कैन और कुड की बात करेंगे, अगर हम कैन और कुड की बात करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, कैन और कुड क्या करेगा, सजेस्ट, ये मोर कैजुअल हो जाएगा यहाँ पे, या लेस रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँगी। और शुड कहाँ हम यूज़ करते हैं, हम इम्प्लाई करते हैं शुड, जो जहाँ पे हम शुड इस्तेमाल करते हैं, तब वो मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है रादर देन द सीकिंग परमिशन। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, मैं अगेन बोलती हूँ, मे आई कॉल द विटनेस, ठीक है। चलिए आगे, अगेन द क्वेश्चन नंबर 65 इज मिसिंग, सॉरी, अगेन क्वेश्चन नंबर 65 इज मिसिंग। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने ये सारे क्वेश्चन नोट करके रखे हैं, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ही करूँगी। मुझे पता ही नहीं है इसमें कौन सा क्वेश्चन है, वो पीडीएफ की इस लाइन में गया है। एक्चुअली मुझे अभी ना जो आप लोगों को पीडीएफ मिला वो मुझे नहीं मिला है, मुझे उसका वो जो जिसको प्रूफ रीडिंग करनी थी वही पीडीएफ मुझे मिला है, सॉरी। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये करवा लूँगी आपको। ओके क्वेश्चन है, वी डैश टच द एंटीक पीसेस, यहाँ पे वी शुड नॉट टच द एंटीक पीसेस, वी डेयर नॉट टच द एंटीक पीसेस, वी नीड नॉट टच द एंटीक पीस, और वी कैन नॉट टच द एंटीक पीस। मैं आपको एक ऑप्शन करके बता दूँ, अगर हम शुड नॉट यूज़ करेंगे तो जो ये ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस कंटेस्ट, ये इंडिकेट करता है दैट इज समथिंग, समथिंग इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। यहाँ पे समथिंग इज नॉट एडवाइजेबल और नॉट रिकमेंडेड, आई कैन से यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड, हाँ, इस ऑप्शन में, इस कंटेस्ट में जो शुड नॉट है, ये समथिंग इज नॉट एडवाइजेबल और रिकमेंडेड, लेकिन ये डज नॉट, इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई एनी रिस्क और चैलेंज। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो शुड नॉट है, ये समथिंग इज नॉट एडवाइजेबल और रिकमेंडेड, लेकिन यहाँ पे ये कोई भी रिस्क के लिए, चैलेंज के लिए नेसेसरी ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप एंटीक पीसेस, क्या होते हैं बड़े पुराने जो, जिनको 100 साल हो गया, उनमें हाथ लगा सकते, टूट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एडवाइज करता है हमें, लेकिन यहाँ पे रिस्क के लिए हमें कोई भी, या चैलेंज के लिए हमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, ठीक है। अगर हम डे नॉट की बात करेंगे, ये ऑप्शन इंडिकेट करता है दैट वी आर नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क और चैलेंज। इस एक्शन में क्या क्या होता है कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इंडिकेट करता है हमें कि हमें भी कोई जो रिस्क है, कोई चैलेंज में हम इन्वॉल्व ना हो। अगर हम नीड नॉट की बात करेंगे, ये ऑप्शन इंडिकेट करता है समथिंग इज नॉट नेसेसरी और ऑब्लिगेटरी, हाँ, नेसेसरी और ऑब्लिगेटरी, ठीक है, समथिंग इज नॉट नेसेसरी और ऑब्लिगेटरी, लेकिन यहाँ पे फिर से ये किसी रिस्क या चैलेंज के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है। कि नॉट की अगर हम बात करेंगे, ये ऑप्शन सीधे हमें दिखाता है समथिंग इज नॉट पॉसिबल टू डू, और फिर से यहाँ पे ये चैलेंज और रिस्क के लिए कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा। अब चैलेंज और रिस्क के लिए कौन इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा था, डेयर नॉट, सो वी डेयर नॉट टच द एंटीक पीसेस। ओके बेटा चलिए, ओके जी, मेनी शॉप्स वेयर सेटअप इन डैश इनक्लोज्ड एरिया, आर्टिकल से क्वेश्चन है, तो आर्टिकल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बिफोर नाउन्स, ठीक है,
बिफोर नाउन की स्पेलिंग ही है, हाँ, नाउन और नाउन इक्विलेंट्स के बिफोर, ठीक है, जो नाउन की इक्विलेंट हो या नाउन्स के बिफोर हम इसको यूज़ करते हैं, एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव. अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे जो द है, ठीक है, अगर हम द की बात करेंगे, द को हम मोस्टली यूज करते हैं बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट आइडेंटिटी ऑफ द नाउन, या जिसके बारे में हमें जानना होगा या जिसको हम जानते होंगे, द रीडर और अ नाउन इज स्पेसिफिक, ठीक है, जहाँ पे हमें रीडर और अ नाउन क्या मिले, स्पेसिफिक मिले, वहाँ पे हम द को, डेफिनेट नाउन को यूज करते हैं, ठीक है. अब अगर हम इनडेफिनिट नाउन की बात करेंगे, व्हाट आर इनडेफिनिट नाउन, एंड एन, ठीक है, इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, नाउन के बिफोर करते हैं, डेट इज जनरल, जो हमारे लिए क्या हो, मतलब हमारे लिए जो जनरल हो, और वेन द आइडेंटिटी इज नॉट नोन, जब ये नाउन जनरल हो और जिसकी आइडेंटिटी नोन नहीं हो. तो अगर हम और एक पॉइंट में आपको डेफिनेट नाउन के बारे में बोलूं, जो द डेफिनेट नाउन है ना, द इसको हम, सॉरी, जो द डेफिनेट नाउन है ना, इसको हम बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम ए और एन की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा, इसको हम खाली सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं. तो चलिए अगर हम ऑप्शन देखेंगे, मैनी शॉप्स वे सेट अप इन डैश एनक्लोज्ड एरिया. सो इफ द वर्ड, अगर हम एरिया की बात करेंगे, व्हाट इज एरिया, इट इज अ जनरल नाउन, ठीक है, इट इज अ जनरल, ठीक है. और अगर यहाँ पे हम लोगों को एनक्लोज आया है जिसमें वोवल साउंड है, ई है, वोवल है, तो यहाँ पे एन लग जाएगा. सो मेनी शॉप्स वी आर सेट अप इन एन एनक्लोज्ड एरिया, एन इज अ राइट ऑप्शन. ओके बेटा, चलिए. ओके, द बॉल इज डैश योर कोर्ट. बहुत बार आपने ये डे टू डे लाइफ में, ये एक फ्रेज है एक्चुअली से, लेकिन क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल किया होगा. द बॉल इज डैश इन योर कोर्ट. ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑन, अबाउ, इन और मोर देन वन ऑफ द अबाउ, दो से ज्यादा ऑप्शन. तो पहले मैं आपको बोलूंगी इसका जो राइट ऑप्शन है, तभी मजा आ जाएगा. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इन, द बॉल इज इन योर कोर्ट. एक्चुअली द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है कि जब किसी को, अगर आप किसी को बोलोगे द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब आप तक है, आप क्या करोगे, आप कैसे इस प्रॉब्लम को डील करोगे, या कभी कभी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम बोलते हैं, अब आप तक फैसला है जी, मैंने जो, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आप डिसाइड करो, ठीक है, हमने जो करना था हमने कर लिया. तो यहाँ पे इन योर कोर्ट आ जाएगा, बड़ा मशहूर फ्रेज है. तो इट इज टाइम, व्हेन वी यूज द बॉल इज इन योर कोर्ट, एक्चुअली इज अ फ्रेज, इज टाइम टू समवन टू डील विद अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन, बिकॉज जो अदर पीपल्स होते हैं, दे हैव ऑलरेडी डन एज मच एज दे कैन, ठीक है. तो द करेक्ट ऑप्शन है द बॉल इज इन योर कोर्ट. ओके ओके, द क्वेश्चन इज आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सेट, बिफोर सनसेट. ओके, ये जो सेंटेंस है ये है एक्चुअली पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में है, और कौन से टेंस में दिया है ये, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, ये है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में. अब इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में. सो एक्टिव वॉइस में रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, जो इसका रूल है, सॉरी, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, है ना, जो ये अभी हमारे पास पैसिव वॉइस में है. तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, हमें इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हमें पहले ही इसको बीन रिमूव करना है. बीन को रिमूव किया, ठीक है, तो आवर टास्क कंप्लीटेड फॉर बिफोर सनसेट. बीन को भी जो अगर आप रिमूव करोगे, जो आवर है वो चेंज हो जाएगा वी में, ठीक है. तो बीन के बदले क्या आ जाएगा, हैड बीन के बदले क्या आ जाएगा, हैव क्या आ जाएगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, दिस इज द राइट ऑप्शन. ये एक्टिव वॉइस में आ रहा है हमें अभी, मतलब ये एक्टिव वॉइस में बन गया. तो हमें जो आया था वो पैसिव वॉइस में आ गया था, तो हमने इसको चेंज किया फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. और आई होप ये आपने इंग्लिश वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. ओके, अब क्वेश्चन है टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, तो इसका क्या मतलब है, टू फाइंड वंस रूट, टू रिटर्न, टू प्ले ऑफ रेस्ट, सॉरी, टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, एंड फोर्थ ऑप्शन टू एम्फसाइज. एम्फसाइज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, एस एस डी, ठीक है. तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, टू एम्फसाइज, किसी चीज़ पे जोर देना, ठीक है, टू एम्फसाइज, टू ड्राइव होम, ये फ्रेज है, इसका मतलब है टू एम्फसाइज. ओके बेटा, ओके जी, आगे चलते हैं. ही सेव्ड हर डैड सर्टन डेथ, इसका ऑप्शन है फ्रॉम, विद, ऑफ, या नन, मोर देन वन ऑप्शन. तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, एक मिनट, फ्रॉम. फ्रॉम को हम मोस्टली यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, मतलब इट वाज अ गुड लक दैट वी वर सेव्ड फ्रॉम फायर, वी वर सेव्ड फ्रॉम डॉग्स, ठीक है. फ्रॉम को हम हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम को हम यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए,
तो ही सेव्ड हर फ्रॉम सर्टेन डेथ। ओके बेटा आगे चलते हैं। ओके जी, पिक आउट द फ्रेज इन द सेंटेंस। मोनिका प्लेड एट सनसेट। अब इसमें फ्रेज कौन है? फ्रेज होता क्या वैसे? फ्रेज वी कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट कोई भी वर्ब नहीं होता है, ठीक है। और वी कैन से कॉमनली फ्रेज को हम कॉमनली यूज करते हैं उन सेंटेंस में जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं अबाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब। तो अब इसमें सेंटेंस कौन बनेगा? मोनिका, मोनिका प्लेड, प्लेड एट सनसेट या एट सनसेट। एंड इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा एट सनसेट विल बी द राइट ऑप्शन। ये इसका फ्रेज है। ओके बेटा चलिए। ओके क्वेश्चन है डिफर या डिफर जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है तो आपको सिनोनिम देखना है एंटोनिम देखना है तो वो हम देखेंगे ऑप्शन में ही। इनडिफरेंट, डिफाई, डिफर या पोस्टपोन। इनडिफरेंट का मतलब अगर हम देखेंगे वो होता है द पर्सन इज इनडिफरेंट, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड इंडिफरेंट का मतलब होता है और केयरिंग अबाउट समथिंग, नॉट इंटरेस्टेड इन केयरिंग अबाउट समथिंग फॉर समवन, ठीक है। डिफाई होता है रिफ्यूज टू ओबे, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। डिफर होता है मुख्तलिफ, पोस्टपोन होता है ताखीर करना। और अगर हम डिफर का मतलब भी ले वो होता है कि किसी चीज़ को उसके लास्ट मोमेंट तक छोड़ना। तो इसका सिनोनिम आपको देखना है यहाँ पे, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? इसका राइट वाला ऑप्शन आ जाएगा पोस्टपोन करना, ठीक है। पोस्टपोन होता है ताकीर करना और डिफर का भी होता है ताकीर करना, कोई चीज को लास्ट मोमेंट तक छोड़ देना, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह है डेवलपमेंट। तो रिटार्डेशन भी आपको नाम से ही पता चलेगा, रिटार्ड होता है वापस से नीचे लाना, ठीक है। रिट्रोग्रेशन होता है वर्स स्टेट में वापस आना, डिक्लाइन होना, ठीक। ट्रांसग्रेशन समथिंग द वीक होना वापस से, प्रोग्रेस होता है आगे बढ़ना। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके जी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैड हैज ब्रॉट दीज टॉयज फॉर यू एंड मी, यू एंड अस, यू एंड आई, यू एंड देम। ये जो सेंटेंस है ना, इट रिक्वायर्स वो प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है, That functions as the object, as the object. ये sentence वो pronoun रुकाया, उसको इस pronoun की ज़रूरत है जो function करेगा as a object, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप कौन सा pronoun as a function ये करता है, as a object function करता है, तो वो आपका option आ जाएगा me. Dad has brought these toys for you and me, ठीक है, is the objective case. Okay बेटा चलिए आगे। Again the क्वेश्चन 76 इज मिसिंग, सॉरी। चलिए आगे, फ्रेज है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ओके फर्स्ट ऑप्शन टू गेन प्रोमेंस, टू प्रोमेंस टू प्रेज ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, टू कन्फेंस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है खुल के बोलना और ईमानदारी के साथ बोलना, टू स्पीक ओपनली एंड कैन से ऑनेस्टली अबाउट समथिंग, जो भी हुआ है, समथिंग दैट प्रीवियसली हैड बीन लाइड अबाउट अ कैप्टर स्क्रिप्ट, ठीक है, जो भी आपने छुपाया अभी तक, जिसके बारे में आपने झूठ बोला है अभी तक, उसके बारे में बिल्कुल आप ईमानदारी के साथ मौका आया टू मेक क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। अब आप खुल के बोलो, ईमानदारी के साथ बोलो। जैसे कि कोई मुजरिम होता है तो अब उसने ये कह के नहीं, अब मैं मुजरिम नहीं, कोई इंसान होता है कि अब मैं अदालत में जाऊँगा, अब मैं सच्ची गवाही दूंगा, अभी तक मैं झूठी गवाही दे रहा था लेकिन अब मैं सच्ची गवाही दूंगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा टू कन्फेंस विदाउट ऑफ रिजर्व, सब कुछ बोलना, ठीक है, बिल्कुल छुपाना नहीं कुछ, सब कुछ बोलना। ओके बेटा, ओके, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका द एल्डर डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, द एल्डर मस्ट रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट द एल्डर्स वी मस्ट, तो इसका क्या आ जाएगा? अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका आ जाएगा द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड विल बी द राइट ऑप्शन, द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड विल बी द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव में आया था। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे, आर्टिकल से क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने बोला आर्टिकल्स के बारे में, ब्रेकफास्ट जो है ये एक स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक नाउन के लिए हम क्या करते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। सो फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील, द ऑप्शन ऑप्शन थर्ड आ जाएगा इसका राइट आंसर। वापस से क्वेश्चन है, दैट स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट शी और ही कैन फाइंड। स्टूडेंट वापस से एक जनरल नाउन है, ठीक है, जनरल नाउन है, तो स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट
she or he can find. Okay. I said to her, do you know how to dance? इसको change करना है तो I said to हो जाएगा ask में change. ठीक है. Do you know how to dance? यहाँ पे conditional clause है तो I asked her if she had know how to dance. तो option B आ जाए. I asked her if she knew. Sorry, knew. Known में नहीं नहीं नो इफ शी नी आई आस्क्ड हर इफ शी न्यू हाउ टू डांस. न्यू भी हो जाएगा चेंज, हाउ टू डांस सेम रहेगा. डू यू इफ शी मैं चेंज हो जाएगा. आपने इंग्लिश क्लास में पढ़ा होगा. नो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये न्यू पढ़ रही थी. आई आस्क्ड हर इफ शी न्यू हाउ टू डांस. ओके ओके. द क्वेश्चन है, ICU एंड वेंटिलेटर बेड्स बिटवीन सेप्टेम्बर लास्ट ईयर एन इनविटेबल सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसीजन टू रिड्यूस ऑक्सीजन एंड जनवरी दिस ईयर डिस्पाइट एक्सपर्ट्स प्रिडिक्टिंग कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा क्वेश्चन. ठीक है, इसको हम करेंगे. पहले ही वो क्वेश्चन करेगी. ठीक है, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा क्वेश्चन. तो पहले वो क्वेश्चन करेगी. ठीक है, किस पर क्वेश्चन करेंगी? द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसीजन टू रिड्यूस ऑक्सीजन. ठीक है बेटा. अच्छा, और द रिड्यूस ऑक्सीजन ICU एंड वेंटिलेटर बेड्स बिटवीन सेप्टेम्बर एंड लास्ट ईयर TRP. ओके, उसके बाद एंड जनवरी दिस ईयर डिस्पाइट एक्सपर्ट प्रिडिक्टिंग, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा? एंड इनविटेबल सेकेंड वेव ऑफ COVID-19. तो TRPQS कहाँ पे है? हाँ, दिस इज द ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन. ओके बेटा, चलिए. ओके बेटा, माय अंकल वन सेड टू मी इफ आई कांट ट्रस्ट माय पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस. ओके, हिज अंकल वन सेड टू हिम दैट इफ could trust his people then he did not want to be doing that. ये नहीं आ जाएगा my, क्योंकि his तो नहीं आ जाएगा. my uncle once said to him if I could trust his people then he did not want to be doing that. ये लग रहा है his uncle नहीं, his तो नहीं आ जाएगा. पहले my uncle ही आ जाएगा क्योंकि उसके चाचा ने बोला. ठीक है, अगर उसके लोगों पे भरोसा नहीं करता तो उसको ये नहीं करना चाहिए. देन ही डिड नॉट, अच्छा वो ये नहीं करना चाहता. हिज अंकल सेड हिम वांस, उसके अंकल ने उसको कहा इफ ही कुड नॉट ट्रस्ट हिज पीपल देन ही डिड नॉट वांट टू बी डूइंग दैट. तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा. ओके, अगेन द क्वेश्चन 84 इज मिसिंग. नाउ आई थिंक द कंप्यूटर का सेक्शन आ गया. ओके, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस. कितने टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस है? 5, 7, 10 और 12. तो बता के चले, आपको याद होगा देर आर 7 टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस. कौन है? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ब्राउजर हैक जैकर, रेसिडेंट वायरस. ठीक है, और पॉलीमॉर्फिक वायरस है, फाइल इन्फेक्टेड वायरस है, और भी दो है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं. तो 7 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस है. ओके बेटा. ओके जी, इन मिड 1981 द फर्स्ट वायरस ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स विद द नेम केम इन टू एग्जिस्टेंस. उसका नाम क्या था? उसका नाम एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकेंड, एप्पल थर्ड या एप्पल वायरस था. तो इट वॉज अ एप्पल सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्लोनर भी. ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्लोनर जो फ्लॉपी डिस्क में था. तो एप्पल सेकेंड इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा. ओके, विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस? इन्फेक्टेड वेबसाइट, ई मेल्स, ऑफिशियल एंटीवायरस या USB? तो इसका जो आ जाएगा ये वाला ऑप्शन इसका ठीक आएगा, ऑफिशियल एंटीवायरस, जो इज़ नॉट अ कॉमन और आइडियल वे टू जहाँ पे हम वायरस को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेप्यूटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं वो इसको प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, ओके जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस कौन है? देखिए, माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी है. तो ऑप्शन आ सकता है डिजिटाइजर, यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकता. तो ऑप्शन डी है. ओके बेटा. ओके, विच इनपुट डिवाइस आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन एन मॉनिटर स्क्रीन? माउस, लाइट पेन, बोथ ए एंड बी. और इसका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो गायब ही है. तो अभी मुझे पता नहीं बी वाला ऑप्शन क्या है, बट माउस तो आ जाएगा. ठीक है, लाइट पेन को भी हम यूज़ करते हैं, बट तो माउस आ जाएगा. अभी मुझे पता नहीं है सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो एक बार जब मैं ओरिजिनल PDF लूँगी तो उसमें मैं ये क्लियर कर लूँगी आपको. ठीक है, ओके. द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज, फंक्शन की कितनी है? 14, 12, 13, 15. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें 12 आ जाएगा. 12 फंक्शन की इस कीबोर्ड में होती हैं. ठीक है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ CPU? स्टोरेज, सॉर्टिंग डेटा, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, इनपुट एंड आउटपुट, नेटवर्किंग. तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड डिलीवर्स द रिजल्ट टू द एसोसिएट आउटपुट. ओके बेटा, ऑप्शन बी आ जाएगा इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट बी यहाँ पे गायब है, सेकेंड, थर्ड और ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ बी अबाव भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही मिसिंग है. तो इसको हम एट द एंड ऑफ द वीडियो
करते हैं, ठीक है. Which enables us to send the same letter to a different person. Macros, template, mail merge or none. तो ये सभी को पता होगा, mail merge इसका right option आ जाएगा, option C. ओके जी. द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, सभी को पता है, उसका सेल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है. अगेन इसका क्वेश्चन मिसिंग है, चलिए छोड़ते हैं. ओके जी. विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंट, जब भी आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो तो लेफ्ट पैनल में कौन सा टैब अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आउटलाइन. ओके ओके जी. इनमें से प्राइमरी फंक्शन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का कौन है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इनक्रिप्ट डाटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है. ओके ओके. डैश ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट, सेव एज ड्राफ्ट इनबॉक्स सेंड आइटम्स ट्रैश, तो ये सबको पता है कि सेव एज ड्राफ्ट आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्यूटर हार्डवेयर, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है, जो हार्डवेयर पे रन करता है. अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे ना, बोथ एंड भी, तो आप वहां पे उनको दीजिएगा, लेकिन अगर ऐसे आ जाएगा तो आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है बेटा. ओके. अब क्वेश्चन है, वन और मोर डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग इज कॉल्ड बॉट, सिस्टम एरर, बग या स्लग, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा बग आ जाएगा, ठीक है. बग ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम वर्किंग. ओके ओके जी. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद अ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी या फ्लैट पैनल मॉनिटर, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग अदर फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज, तो सबको पता है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर अनोन एज द फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 103. What will come at the place of question mark? I think ये मैथ से क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन है. अच्छा, तो आपके पास नंबर दिए गए हैं 1, 9, 25, 49, फिर क्वेश्चन मार्क और देन 121, ठीक है. तो आपको जो बोलना है क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वहाँ पे क्या आ जाएगा. अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे, ये मैं रब करती हूँ यहाँ से, अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है. फिर 2 को इन्होंने लीव किया है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा. 4 को यहाँ पे लीव हुआ है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. 6 को नहीं तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा. फिर हम 8 को लीव करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 81, ठीक है. फिर 10 को लीव करके 11 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 121. तो यहाँ पे जो मिसिंग था वो था 9 का स्क्वायर, ठीक है. 9 स्क्वायर जो आता है 81, तो ऑप्शन में, हाँ जी, ये 81 इसका राइट ऑप्शन. ओके बेटा चलिए. Another question is, यहाँ पे ELFA, GLHA, ILJA, फिर डैश है जो ब्लैंक है वो आपको फिल करना है, देन MLNA, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा. लेकिन अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे, जो सेकेंड लेटर है, पहले सेकेंड लेटर क्या है, सेम है, ईच टर्म में जो सेकेंड लेटर है वो L है, वो सेम है, ठीक है. फर्स्ट लेटर की बात करेंगे, पहले टर्म में हम लोगों का आता है A, ठीक है. फिर F को छोड़ के G, फिर H को छोड़ के I, फिर J को हम छोड़ेंगे तो K वाला ऑप्शन आ जाएगा. तो K अब दो में है, इसमें और इसमें, इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है. अच्छा, सेकंड, ठीक, सेकंड जो लेटर है वो सेम है. फिर थर्ड लेटर पे हम जाते हैं F, G को छोड़ के H, I को H, A B C D E F G H I J, ठीक है, J, I को छोड़ के J, K को छोड़ के L, तो इसका मतलब हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे L, K के बाद L, ठीक है. पहले लेटर में हमें K आया था, दूसरे लेटर में L, और M को छोड़ के N, जो कि यहाँ पे थर्ड लेटर N है, तो ठीक है, K L आ गया हमें. उसके बाद अगर हम फोर्थ लेटर देखेंगे, तो फोर्थ लेटर जो बेटा है वो हर किसी में सेम है, देन इट्स करेक्ट ऑप्शन इज K L L A विल बी द राइट ऑप्शन. ओके ओके. 6, 11, 21, 36, 56, देखो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे 6 को हम क्या ऐड करेंगे, अगर हम ऐसे जाएंगे 6 को हम क्या ऐड करेंगे, 11 निकलेगा, 6 + 5 = 11, ठीक है. फिर यहाँ पे आप 11 लिखिए तो 5 के टेबल में ही आप ऐड कीजिए, 11 + 10 = 21, ठीक है. फिर 21 को यहाँ पे और 5 का टेबल पढ़ते जाइए, 5 = 15, 21 + 15 = 36, ठीक है. फिर 36 + 20 वो आ जाएगा 56, ठीक है, 56, और 56 + 25 वो आ जाएगा 81, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है 81, ठीक है, नंबर को 5 के टेबल के साथ ऐड करना है. ओके
प्रोज को, यहाँ पे जो टर्म है प्रोज, प्रोज को कोड करते हैं हम PPOQA से, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लेटर को देखेंगे यहाँ पे और फोर्थ लेटर को देखेंगे यहाँ पे, सॉरी थर्ड लेटर को यहाँ पे देखेंगे और फिफ्थ लेटर को यहाँ पे देखेंगे, वो सेम है, ठीक है। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ लेटर इज सेम, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकेंड लेटर और फोर्थ लेटर को देखेंगे वो प्रीवियसली लेटर यूज हुए है, तो उस हिसाब से लाइट का क्या आ जाएगा, LIGHT, ठीक है। फर्स्ट लेटर को वापस कीजिए एल को, थर्ड लेटर को भी वापस कीजिए जी को, और फिफ्थ लेटर को भी वापस कीजिए टी को, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा उस हिसाब से जी, और यहाँ पे भी आ जाएगा एफ, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आ जाएगा राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन है सेकेंड, LGGFT, ओके। इफ समर इज अ कोडेड रनर द कोड फॉर विंटर इज, अगर समर को हम रनर कोड करते हैं तो विंटर को क्या कोड हो जाएगा, तो ये भी ऐसे ही यही पैटर्न लगाना है इसको। देखो जी यहाँ पे SUMMER है समर, इसको कोड किया रनर RUNNER, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट जो लेटर्स है, लास्ट टू लेटर्स वो सेम आते हैं, वो सेम आते हैं ER, ठीक है। लेकिन अगर आप S के बारे में देखेंगे तो S से पहले जो है, S से पहले R आता है, ठीक है। S से पहले फर्स्ट लेटर की अगर हम बात करेंगे तो S से पहले क्या आता है, R आता है, और UU सेम है, सेकेंड लेटर सेम है, ठीक है। और जो थर्ड और फोर्थ लेटर है इसको हमने लिया इनके बाद आने वाले लेटर्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी विंटर, विंटर, ठीक है, वी से डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी, ठीक है। डब्ल्यू से मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, डब्ल्यू से पहले आता है वी, आई को हमें सेम रखना है, एन के बाद क्या आता है बेटा ओ, टी के बाद क्या आता है यू, और ई और जो है ई हमें सेम रखना है, और आर भी हमें सेम रखना है। वी आई ओ यू आर विल बी द राइट ऑप्शन, वी आई ओ यू आर, तो डैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, आई वॉक 30 मीटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम माई हाउस एंड 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नाउ आई टर्न टू माई हाउस इन वट डायरेक्शन आई एम गोइंग। देखो बेटा हम पहले डायरेक्शन दिखाते हैं यहाँ पे, दिस इज आवर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। अगर हम सब डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पे इसकी, ये बनेगा नॉर्थ ईस्ट, ये बनेगा साउथ ईस्ट, ये बनेगा साउथ वेस्ट, और ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट। अब आप मुझे बताएंगे आप कहाँ से कहाँ गए। ये बोलते हैं पहले मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया, तो ये यहाँ से ये कर रहा है, यहाँ से ये चल रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अर्स एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट पहुँचा ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर देन आई वॉक 30 मीटर टू नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से ये जा रहा था, नाउ आई टर्न टू माई इन वट डायरेक्शन, तो ये यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए ओके, पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू, यहाँ पे फोटो है, ठीक है, ये फोटो है और दिनेश इसको पॉइंट कर रहा है, ये बोलता है ये जो फोटो है ये जो उसका फादर है, फोटो को पॉइंट करके बोल रहा है, जो इसका जो फादर है ओनली सन ऑफ माई मदर, वो मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो ये इसकी बेटा होगी, सॉरी ये इसका होगा बेटा सन, ठीक है। मदर यहाँ पे है, ठीक है, दिनेश यहाँ पे है, फोटो यहाँ पे है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, जो उसका बाप है वो मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो दिनेश का सन है, ओके जी। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी क्या है आपस में, ब्रदर्स है, ठीक है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, अब ए एंड डी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर, ए इज सन इज डी इज ब्रदर, यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में क्या है, जो ए का सन है वो डी का ब्रदर है, ए का जो सन है वो डी का, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, डी इज अननोन, यहाँ पे डी हियर, डी इज अ जेंडर ऑफ डी इज अननोन, वो क्या है, ए एंड बी ब्रदर है। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है ए सन इज डी इज ब्रदर, जो ए का बेटा है वो डी का भाई है, लेकिन यहाँ पे डी अननोन है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में आगे है, जो सी एंड डी है वो आपस में क्या है, सिस्टर्स है, क्या है, आपस में सिस्टर्स। तो अगर मैं ऐसे बोलूं ए और बी और यहाँ पे सी एंड डी क्या है, सिस्टर्स, सो इट कैन बी सीन, जो बी है, जो बी है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, जो बी है वो क्या है बेटा, वो सी का अंकल है, वो क्या है, सी का अंकल। ए और बी आपस में क्या है, ब्रदर्स है, सी एंड डी आपस में क्या है, सिस्टर्स है। उसके बाद बोलता है जो ए का बेटा है वो डी का ब्रदर है, जो ए का बेटा, इसका जो सन है वो क्या है, इसका बेटा है, तो ये आपस में
बाई बाई है, तो इसका मतलब जो बी है वो सी से, सी से सी का अंकल है, चाचा है. ओके, द अंकल इज अ राइट ऑप्शन. चलिए, ओके, द क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ जेड. एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ जेड. इफ जेड इज द फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट द सन ऑफ जेड, देन वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड जेड. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो जेड है वो फादर है कहाँ, किसके, एक्स और वाई के. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, जो एक्स, जो जो एक्स है और एक्स प्लस वाई है वो क्या है, ये बोथ बोथ आर चिल्ड्रन, दोनों इसके बच्चे हैं. समझ आई बात. तो यहाँ पे क्वेश्चन में वाई इज नॉट द सन ऑफ जेड, जो ये वाई है, जो ये वाई है ये जेड का सन नहीं है. तो इसका मतलब वाई फिर क्या है, देन वाई इज अ डेफिनेटली डॉटर ऑफ जेड. तो इसका मतलब रिलेशनशिप क्या है, डॉटर एंड फादर. पहले बोलता है एक्स एंड वाई क्या है, दोनों चिल्ड्रन है, लेकिन दूसरी कंडीशन में ही बोलता है वाई इज नॉट द सन ऑफ जेड, वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है. तो अगर बेटा नहीं है तो क्या है, फिर बेटी है. तो रिलेशनशिप आ जाएगी डॉटर एंड फादर. ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच द थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड फोर वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन. चार दिए हैं यहाँ पे, तीन किसी ना किसी हद से मिल रहे हैं, लेकिन चौथा जो है वो डिफरेंट है, वो कौन है, क्रोकोडाइल, स्नेक, वेल एंड लिजर्ड. देखो, क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड सारे रेप्टेलिया में आते हैं. ठीक है, इसमें जो डिफरेंट आता है वो है वेल, तो वेल इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा. अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन. स्टेटमेंट बोलते हैं इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय टीम वेयर 200. ठीक है, आउट ऑफ दीज 160 रन्स वेयर मेड बाय स्पिनर्स. कंक्लूजन है 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, द ओपनिंग बैट्समैन वेयर अ स्पिनर. तो इसका जो यहाँ पे है कंक्लूजन वन फॉलो, कंक्लूजन टू फॉलो, नीदर वन और नॉट, ऑप्शन थर्ड नहीं है. लेकिन इसका ऑप्शन मैं देख के बोल सकती हूँ, जो ये इसका कंक्लूजन है 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, वो तो स्टेटमेंट बोल ही नहीं रहे, स्टेटमेंट बस बोल रही है 160 रन स्पिनर्स ने की, ये टीम के बारे में नहीं बोल रही है. द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स, ना तो ये ओपनिंग बैट्समैन के बारे में बोल रही है. तो इसका जो ऑप्शन है नीदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, इसका ऑप्शन ये आ जाएगा, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है. ओके, इफ द स्काई इज अ सी, सी इज अ वाटर, वाटर इज एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड एंड क्लाउड इज रिवर, देन वट डू वी ड्रिंक वेन थर्स्टी. जब हम इतना ये नहीं रखना है इसमें, ट्रिक से जाना है, जब हम प्यासे होते तो हम क्या पीते हैं, पानी. तो यहाँ पे वाटर किससे रिलेटेड है, एयर से. तो इसका मतलब जब हम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसका एयर आ जाएगा आंसर. ओके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ओ, इसका ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, ऑप्शन मिसिंग है बेटा, हम ये बाद में करेंगे. ठीक है, ओके, नाउ द क्वेश्चन, रवि स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए, एंड आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड अगेन वॉक्स 5 किलोमीटर एंड रीच अ पॉइंट बी. फ्रॉम अ पॉइंट बी रवि अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड रीच अनदर पॉइंट सी. फ्रॉम अ पॉइंट सी रवि अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट डी एंड एंड्स हिज जर्नी. शुक्र है उसने जर्नी को एंड किया, ये बस लेफ्ट लेफ्ट ही जा रहा था. इन विच डायरेक्शन इज रवि स्टैंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी. ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. रवि जो है वो फेस जो जो स्टैंडिंग फेस नॉर्थ एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 10 किलोमीटर. पॉइंट ए से 10 किलोमीटर वो चलता है. ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर वो अपना राइट ले लेता है और अगेन 5 किलोमीटर चलता है तो पॉइंट बी तक पहुंचता है राइट लेने से. ठीक है, अच्छा, पॉइंट बी जब वो पहुंचता है वो लेफ्ट ले लेता है, लेफ्ट ले लेता है. ये उसने स्टार्ट किया ए से, पहुंचा ये बी तक, बी पर क्या किया उसने, 10 किलोमीटर चला और उसने क्या किया 10 किलोमीटर टू हिज राइट एंड अगेन 5 किलोमीटर राइट लिया, यहाँ से राइट लिया और बी तक पहुंचा. ठीक है, जब वो बी तक पहुंचा रवि अगेन टर्न्स हिज लेफ्ट, तो उसने लेफ्ट लिया यहाँ से. ओके, और 5 किलोमीटर चला. फ्रॉम ए पॉइंट बी लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड रीच अ पॉइंट, और वो यहाँ पे कहाँ पहुंचा, पॉइंट सी तक. ठीक है, और सी पे वो क्या करता है, रवि अगेन टर्न्स लेफ्ट, उसने यहाँ पे लेफ्ट लिया और वो कहाँ पहुंचा, 5 किलोमीटर चला और पॉइंट डी तक पहुंचा. ठीक है, एस बी रवि आप देखिए, जैसे मैंने दिखाया आपको, पहले मैंने यहाँ से दिखाया ए पे वो था और अपना राइट ले लिया. ठीक है, फिर पहुंचा बी तक, बी से वापस लेफ्ट ले लिया, पहुंचा सी तक, सी से वापस लेफ्ट ले लिया, पहुंचा डी तक. तो ये कुल मिला के बस वहीं पहुंच रहा है. तो इसका जो आंसर है वो इसका आ जाएगा नॉर्थ. अगर आप इसको कॉपी पे ये ना करेंगे ना, मतलब यहाँ पहुंचा, फिर राइट लिया, पहुंचा बी, फिर लेफ्ट लिया, पहुंचा सी, फिर और लेफ्ट लिया, पहुंचा डी, तो ये वहीं पर पहुंचे आपको दिखेगा कॉपी में, इसका ऑप्शन नॉर्थ आ जाएगा. ओके बेटा, चलिए.
Okay, arrange the words given below in a meaningful sequence. Presentation, recommendation, arrival, discussion, introduction. इसको आप कहते हैं sequence. देखो जब वो पहुंचेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन देगा, देन डिस्कशन होगा, उसके बाद रिकमेंडेशन होगी. देन द राइट ऑप्शन इज 3 5 1 4 2. 3 5 1 4 2, दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके बेटा, चलिए फाइंड द ऑड वन. इट इज द सी एफ एल, बी ई के सी एफ एल एम पी एस. ओके, इट इज अ जी जे पी. मैम ने मुझे बोला था. अच्छा, ऑड वन इसमें से कौन है? देखो यहाँ पे बी के बाद अगर हम प्लस थ्री करेंगे तो हम पहुंचेंगे ई के पास. ठीक है, ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हम पहुंचेंगे के पास. ओके बेटा, इसी तरह सी एफ एल है, सी को अगर हम प्लस थ्री करेंगे तो हम पहुंचेंगे एफ के पास, एफ को अगर हम प्लस सिक्स करेंगे तो हम पहुंचेंगे एल के पास. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जी जे पी है, जी को अगर हम प्लस थ्री करेंगे तो हम पहुंचेंगे जे के पास, और जे को अगर हम प्लस सिक्स करेंगे तो हम पहुंचेंगे पी के पास. तो ये जो पहले तीन ऑप्शन है, जो ऑप्शन थर्ड है जी जे पी है यहाँ पे, ये एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम लास्ट ऑप्शन लेंगे एम पी एस का ये पैटर्न फॉलो नहीं करता. कैसे? अगर हम एम को प्लस थ्री करेंगे तो पी आ जाएगा, पी को प्लस थ्री करेंगे तो एस आ जाएगा. तो राइट ऑप्शन इसका होगा एम पी एस. ठीक है, चलिए आगे. फाइंड द ऑड वन. आपके पास अल्फाबेट पी है, एस है, टी है, ओ है. बहुत सारे तरीके होते हैं इनको क्वेश्चन ढूंढने का, राइट ऑप्शन ढूंढने का. लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप एम को मिरर में देखोगे तो इसकी ऐसी इमेज आ जाएगी, टी को आप मिरर में देखोगे तो ऐसी इमेज आ जाएगी, ओ को आप मिरर में देखोगे तो ऐसी इमेज आ जाएगी. लेकिन वो ऐसे है जिसको खाली ऐसी इमेज आ जाएगी, तो राइट ऑप्शन विल बी द एस. ठीक है, एग्जैक्टली उनकी मिरर इमेज बाकी तीन की सेम है, लेकिन एस की दूसरी है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है. इन जापान द इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर इज वेरी हाई, ठीक है, वाइल्ड दैट ऑफ बाउल कैंसर इज वेरी लो, बट जापानीज immigrate to Hawaii, is this is reserved the rate of bowel cancer increases but the rate of stomach cancer is reduced in the next generation. All this related to the nutrition, the diets of Japanese in Hawaii are different than those in Japan. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा. अब इसका कंक्लूजन फर्स्ट है, द सेम डाइट एज इन हवाई शुड बी प्रोपगेटेड इन जापान ऑल्सो. दूसरा, बाउल कैंसर इज लेस सीवर देन द स्टमक कैंसर. ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? मुझे लगता है इसका ऑप्शन नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोस. क्यों? क्योंकि ना तो कॉन्क्लू स्टेटमेंट ये बोल रही किस कंट्री का क्या डाइट है, ठीक है, ना तो स्टेटमेंट बोल रही है कि कौन सा कैंसर कितना ज़्यादा खतरनाक है और कौन सा कैंसर कम खतरनाक है. ये दोनों कॉन्क्लूजन हमें स्टेटमेंट से नहीं मिल रही, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन.